आज हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, परिवार सुरक्षित नहीं है, समाज सुरक्षित नहीं है। ये जो सिस्टम है, सिस्टम पूरा भ्रष्ट है। तो देश का बर्बाद होगा और देश का भला नहीं होने वाला है, देश का भला होने वाला नहीं है। ये ब्राह्मण का है राज, आप गलत किया। जात कैसे बनी थी? कर्म के हिसाब से तो बनी थी। मूर्ख है वो, मूर्ख है। अगर कहता कोई तो उसकी सोच गंदी है। ये आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पूरा खतरा है। ये मरता कार्यकर्ता, इनको कोई दर्द नहीं होता। अरे ये देश के दलालों, गुलामों, गद्दारों ने सैकड़ों साल आकर के हमें धर्म के नाम पे, जात के नाम पर हमें जो बांटा है, अभी भेद नीति चल रही और उसको बांटेंगे, अब आगे भी बांटते रहेंगे और ये देश हमारा बर्बाद होता रहेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं। इन्हीं में एक ऐसे लोग भी हैं जो सनातन धर्म के बचाव में उतरे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या किससे खतरा हो गया सनातन धर्म। देखिए मेरी बात सुनिए, सनातन संस्कृत जो है पूरे विश्व में थी, पूरे विश्व में थी, और कुछ ऐसा परिवर्तन आया। नॉर्मल जातियाँ थी पहले 511 ईस्वी में, 1100 ईस्वी में टुंड्रो आई तो वो सेस को फ्री कर दिया। तो अलग अलग विचारधारा जो है, जानते हो संस्कृत जो है सनातन एक हमारी ऐसी शैली है। आप लोग कहते हैं कि सनातन को अपमान करने वालों का गला काट के लाओ, 10 करोड़ की राशि का इनाम रखा हुआ है। नहीं, ये अगर कोई कह रहा है ये चीज रंग, ये कानून देखो सर्वोपरि है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर कोई गलत किया है, गलत बोला है, तो उसके ऊपर कानून की FIR हो गई है। कानून काम करता, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं जो अगर कोई भी ऐसा गलत काम करता है या गलत स्पीच देता है, वो कानून उसके दायरे में आ रही है, कानून के दायरे में आता है वो। देखिए मेरे पास, हम लोग इसके विरोध करते हैं, हम इसके बारे में नहीं है, हम इसके पेपर में नहीं है, इसके पक्ष में नहीं है। आप लोग ही कहते हैं ना कि गला काट के लाओ इनाम दिया जाएगा, कौन कहता है? आपके पोस्टर पर लगा हुआ था, शर्तन से जुड़ा। हमारा पोस्टर नहीं था, मैं आपको कार दे दिया। मैं भारत मानवता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं कानून का ज्ञाता हूँ, कानून को जानने वाला हूँ। अगर कोई आप लोग क्या कहते हैं बताएं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा जो है एजेंडा है जनता की सरकार, जनता ही सरकार, पार्टी लेस जो कुर्सी। किसकी सरकार है अभी? किसकी सरकार? अभी चुनाव चिन्हों की सरकार है, पार्टियों की सरकार। संविधान में पार्टी नहीं है, पार्टी के नाम लेना सौगत्य के पाप है। जिसकी सरकार है सबसे बड़ा सनातन का रक्षक वही है। नो, आज कोई सच्चा रक्षक नहीं है। रक्षक आप करोगे, अपनी रक्षा आप करोगे। आज हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, परिवार सुरक्षित नहीं है, समाज सुरक्षित नहीं है। बीजेपी और RSS की सरकार में सनातन खतरे में है। बेदखो हम ये नाम लेकर के आपने सौगत्य का पाप कर दिया। पार्टी का नाम लेना नहीं चाहिए, संविधान में कहता है। बीजेपी की सरकार है ना, हम क्यों कहें? हम नहीं, किसकी सरकार है? किसकी भी सरकार है, आए सरकार जो है चुनाव चिन्ह क्या होता है बीजेपी का? देखो जो किसी का, हम इसके बारे में बोल रहे हैं, हम अपना एक एजेंडा अलग चल रहे हैं। हम अन्ना का आंदोलन के इंचार्ज रहे हैं। जयप्रकाश नारायण थे, महात्मा गांधी थे, उन्होंने कहा पार्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने मकर जाल बना दिया। कहते हैं सनातन धर्म खराब है, उसमें तमाम बुराइयां हैं। अगर कहता कोई तो उसकी सोच गंदी है, गधे घोड़े ऊंट। राष्ट्रपति को मंदिर नहीं दान जाने दिया जाता है, सोच में खराबी है। आप एक बात सुनो, कोई माई का लाल, मैं चलता हूँ, हमारे मंदिर में रहता हूँ, शिव मंदिर में जाओ, कोई नहीं मना करता है। अगर आप गधे घोड़े ऊंट के मांस खा के जाओगे, अशुद्ध होके जाओगे, तो देखो हमारे यहाँ जो जाता मंदिर में, क्या अशुद्धि, क्या मतलब है अशुद्ध होने का? अशुद्धि का मतलब है थोड़ा नहा लो, धो लो। राष्ट्रपति नहा के नहीं गई थी? राष्ट्रपति के बारे में देखो मैं कमेंट करूँगा, नो कमेंट। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत चीज है, अगर कोई ऐसा करता है। प्रदेश में मूत्र कांड हुआ था, याद है? देखिए मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं देखता हूँ। शुक्ला ने एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दिया, ये सनातन है? देखो मेरी बात सुनो, ये जो सिस्टम है, सिस्टम पूरा भ्रष्ट है। ये ट्रक है, रेलवे ट्रैक पे चलने वाले हैं, और इससे देश का जो तक वोट की राजनीति चलती रहेगी तो देश का बर्बाद होगा और देश का भला नहीं होने वाला है, देश का भला होने वाला नहीं है।
और ये जब तक कोर्ट की राजनीति चलती रहेगी। ये आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पूरा खतरा है। आप बेटियां सुरक्षित नहीं है, परिवार सुरक्षित नहीं है, समाज सुरक्षित नहीं है। भाई बहन को अलग कर दिया, बाप बेटों को अलग कर दिया, पत्नी पति पत्नी को अलग कर दिया, ऐसे कानून बना दिए गए। आज वृद्धाश्रम खुल रहा है, आप बेटियां बताओ सुरक्षित है? आपकी आप सुरक्षित हो? नहीं सुरक्षित है। जजा जी सुरक्षित है? जब बड़े बड़े नेता नहीं सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये मरता कार्यकर्ता, इनको कोई दर्द नहीं होता। इनके लिए क्या है, किसी बेटा मरता है, किसी चाचा मरता है, किसी जीजा मरता है, किसी दामाद मरता है, उसके लिए लोग हमारे हम लोग अन्ना आंदोलन कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने कहा पार्टी नहीं होना चाहिए, अन्ना ने कहा पार्टी नहीं होना चाहिए, और महात्मा गांधी ने कहा, उनको गोली मार दिया 30 जनवरी 1948 को। तो जब से ये सबसे बड़ी बीमारी की जड़ जो है ये चुनाव चिन्ह है। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में लिखा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिखा, हाई कोर्ट के लिखा, लोकसभा के अध्यक्ष को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, उपराष्ट्रपति को लिखा, सबको लिखा। अब ईवीएम अगर फोटो लग गई है तो चुनाव चिन्ह क्या कर रहा है? चुनाव चिन्ह भारत का नागरिक नहीं है। देखे संविधान में है यूनियन एसोसिएशन बन सकती है, 2012 में बना दिया, आर्टिकल 96 कहता है यूनियन एसोसिएशन बन सकती है। आर्टिकल क्या कहेंगे, किससे खतरा है सनातन? कह रहा हूँ सनातन से खतरा की बात जो आप पूछी हैं कि शुक्ला ने एक दलित के ऊपर बाथरूम कर दिया, ये शुक्ला क्या होता है? जो गलत करता है जात के उछाला जाता है, गलत तो गलत है, कोई जात का किस घमंड में किया? पंडित है, ब्राह्मण है, ऊंची जाति का है, वो नीचे जाति का है, इस घमंड में किया? फिर ब्राह्मण का है रहा जब गलत किया? जात कैसे बनी थी? कर्म के हिसाब से तो बनी थी। जो गलत कर रहा तो कर्म के हिसाब से बनी थी, तो किसी के मुंह पे पेशाब कर देंगे आप? जो गलत किया फिर शुक्ला कहाँ रहा? कानून देगा दंड। फिर वो शुक्ला कहाँ रहा जो गलत कर दिया? मूर्ख है वो, मूर्ख है। अच्छा एक बात सुने सुने, सोने का काम करने वाला सरकार हो गया, वो जात हो गई। अरे ये देश के दलालों, गुलामों, गद्दारों ने सैकड़ों साल आकर के हमें धर्म के नाम पे, जात के नाम पर हमें जो बांटा है, अभी भेद नीति चल रही और उसको बांटेंगे और आगे भी बांटते रहेंगे और ये देश हमारा बर्बाद होता रहेगा। और इस बर्बादी को रोकने के लिए देश की जनता को आगे आना पड़ेगा। देश को हम जगाने आए हैं, हम लोग क्रांतिकारी हैं और हम चाहते हैं कि क्रांति हो, और जब तक क्रांति नहीं होगी देश की जनता आगे नहीं आएगी, तब तक भला नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कहना है, किससे क्या लगता है, किससे सनातन को किससे खतरा है? किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। आप पोस्टर लगा रहे हैं, गर्दन मांग रहे हैं काट कर, 10 लाख की, 10 करोड़ की राशि उस पर इनाम रख रहे हैं। हमने नहीं मांगा, हमने मांगा ही नहीं। अयोध्या के एक आचार्य हैं, वो कहते हैं गर्दन काट के लाओ 10 करोड़ का इनाम देंगे हम। तो उन्होंने मांगा होगा, उनको पकड़ो, हमने कहाँ मांगा है? आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? आपका क्या? भगत सिंह गुरुकुल से है हमारी, हम टू मेक भारत अगेन, विश्व गुरुकुल पर चलते हैं हम लोग। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं सनातन धर्म को बचाने के लिए और अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।